नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जय कॉरपोरेशन शेयर लेटेस्ट न्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले तो जो भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब इसमें ऐसा क्या आ गया कि वो आज यानी कि 20% सर्किट पे करीबन यानी कि क्लोज हुआ है, नियरली 20% सर्किट। तो ऐसा क्या न्यूज आई है तो वो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले जय कॉरपोरेशन कंपनी खुद क्या करती है उसके बारे में, अबाउट द कंपनी के अंदर डिस्कस करते हैं अपन पहले कंपनी के बारे में। तो कंपनी खुद क्या है, क्या काम करती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप एक 20% 30% प्रॉफिट के लिए अगर आप एंटर हो रहे हो, तो कम से कम कंपनी की बैलेंस शीट आपको देखनी चाहिए। कंपनी काम क्या करती है, उसके रेशोस क्या क्या है, पी रेशो, स्टॉक, डिविडेंड यील्ड, और ये चीजें काफी चीजें देखने की होती है। उसके बाद में ही उसके अंदर पैसा लगाना होता है, क्योंकि कई बार क्या है कि स्टॉक को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और आप उसके अंदर जैसे ही वो एंट्री बढ़ती है आप एंटर करते हो और प्राइस फिर डाउन आने लग जाती है और फिर वहां पे यानी कि आप ट्रैप हो जाते हो। तो आप भी यानी कि करंटली ये 13% के आसपास सर्किट पे के मतलब चलने की तैयारी है, 13% के आसपास का यानी कि इसने हाइक दिया है। तो क्यों दिया है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के की पॉइंट क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी ज्यादातर कंपनी का यानी कि अगर आप बात करें तो कंपनी आपकी स्टील और प्लास्टिक प्रोसेसिंग और रियल इस्टेट के अंदर घुसी हुई है, इसका ट्रेड करती है ज्यादातर। यानी कि इसका 10% स्टील के थ्रू, 10% का प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नंबर ऑफ शेयर सेल वहां से आती है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग है इसकी 89% के आसपास, और अभी रियल इस्टेट है करीबन 1%। इंडिया का इसने 86% एरिया कवर कर रखा है, मतलब 86% के इंडिया के 86% के आसपास इस कंपनी के अंदर ने पैसा यानी कि मार्केट इसने अपने सेल के अंदर कवर कर रखा है। इवन यूएसए में भी यानी कि इसने 12% यानी कि एरिया कवर कर रखा है, और अदर जगह भी यानी कि करीबन इसका। तो ज्यादातर इसका काम प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, मतलब जैसे प्लास्टिक के जो चीजें बनती है तो उसका काम ये करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और काफी चीजें यानी कि इसके बारे में चलती है। तो अब कंपनी के बारे में बात हो गई, तो फंडामेंटली एनालिसिस क्या कहता है अपना कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लगाया जाए तो क्यों लगाया जाए, तो ये चीज भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटली के अंदर गाइस आपके आते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपके आती है असेट एंड लाइबिलिटीज, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। फिर कैश फ्लो हो गया, और साथ में प्रमोटर होल्डिंग, जो शेयर की जो होल्डिंग्स है वो किसके पास ज्यादा है, वो यानी कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन फंडामेंटली कि भाई पीएनएल के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं है। तो देख लेते हैं अपन इसका। तो जैसे अगर देखते हैं तो इसी कैटेगरी की कंपनीज के अंदर ये छठे नंबर की कंपनी आती है। फर्स्ट नंबर पे है सुप्रीम इंडस्ट्री, सेकंड है एस्ट्रल। एस्ट्रल भी यानी कि पाइप्स हो रही है इसी तरह का, यानी कि बनाने का काम कर रही है। फिनोलेक्स, फिर आ गई रेस्पॉन्सिव इंडिया, फिर प्राइसिंग प्राइप और जय कॉरपोरेशन। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मतलब प्लास्टिक से लिखे हुए जो हैं, प्लास्टिक से जो बने हुए सामान है उनके बारे में प्रोसेसिंग का काम करती है। तो मतलब अपनी इंडस्ट्री में ये छठे नंबर पे आ रही है। ठीक है, इसका यानी कि ये देखो क्वार्टरली प्रॉफिट वाइज यानी कि जिसका परसेंटेज आ रहा है, ये सारा डिविडेंड यील्ड आ रही है, मार्केट कैप सब कुछ यानी कि यहाँ पे इसके अंदर, इसका साइट का नाम है स्क्रीनर। तो इस पे भी यानी कि अभी आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले आप यहाँ पे जाए। तो अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, क्वार्टरली सेल रिजल्ट्स की, किस तरह के इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जैसे अगर हम 20
2020 से बात करते हैं तो 14 करोड़ था, 14 करोड़ 17 करोड़, 17 से 13, 13 से फिर 17, और 21 के बाद में इसने डिक्रीज कर दिया और सितंबर 22 के अंदर इसका करीबन 4 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू रहा था। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इसकी आशंका होगी मार्केट को कि भाई इसका जैसे नेक्स्ट रिजल्ट बढ़िया आना है, तो मार्केट के अंदर जैसे ही रिजल्ट की चर्चाएं चलती है, रिजल्ट बढ़िया आने वाला होता है, तो वहां पे यानी कि आपको मार्केट में इसके अंदर एक अप मूवमेंट दिखती है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करते हैं तो भी 6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू कंटिन्यूअसली पहले स्टार्टिंग में बढ़िया थी, फिर वहां से डिक्रीज हुई, और फिर नेट प्रॉफिट जैसे मार्च 23 के अंदर इसके लॉस भी हुआ था 39, जिसके अंदर अदर इनकम का यानी कि 22,42,000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया हुआ है। तो P&L की बात हो गई, अब चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखते हो तो शेयर कैपिटल इसने बढ़ाई है। ठीक है, शेयर कैपिटल बढ़ाई है मतलब और लोगों को यानी कि इसने इनवाइट किया है। जैसे 19 मार्च 12 के बाद में इसने 19 करोड़ से करके ये करीबन 254 करोड़ के आसपास इसने कर दी। जैसे मार्च 20 के अंदर और यानी कि इन्होंने करके फिर वापस यानी कि बायबैक आया होगा तो वहां पे उन्होंने कम कर दी। ठीक है, रिजर्व सरप्लस ठीक है। बोरोइंग कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज होती है लोन डेफ्ट। डेफ्ट कितनी है, कितना यानी कि वो बेकार है, कितना यानी कि वो लोन लेके फिर वो भागने की कोशिश करेगी या दिवालिया होने की संभावना है, उस तरह का काम होता है। तो लोन कहाँ है, मार्च 19 के अंदर इसके करीबन 350 करोड़ के आसपास का लोन था, वहां से यानी कि फिर इसने 20 के अंदर इसने जो भी 350 करोड़ के आसपास का लोन था वो निकाल दिया। मार्च 21 में 92 करोड़ था, मार्च 22 के अंदर 0 था, और मार्च 23 में 3 करोड़ है। तो 3 करोड़ कोई खास नहीं है, 1 महीने की सेल के बराबर, एक से सेल के भी यानी कि कुछ अंश के बराबर है। ठीक है, कैश फ्लो भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। रेशियो ठीक है, रेशियो सारे यहाँ पे देखो, डेटर्स रेशियो भी है यहाँ पे, इन्वेंट्री डेज, कैश फ्लो रेशियो, ROC सारा यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये चीज होती है, जैसे प्रमोटर के पास कितनी है, तो प्रमोटर ने कंटिन्यूअसली अपनी यानी कि होल्डिंग अपने पास रखी है, इन्होंने 1% भी सेल नहीं किया है। ठीक है, अब है FIs ने इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, कहां से, जून क्वार्टर से मार्च सितंबर क्वार्टर में, तो 0.76 से बढ़कर 0.92 के आसपास ये बढ़ गया है। ठीक है, DIs ने भी इसमें 0.06 हो गए, और रिटेल यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहा है, थोड़ा सा भी बढ़ते ही रिटेल तो क्या है कि भाग जाते हैं। तो ये हो गई इसके फंडामेंटली एनालिसिस की बात हो गई। अब है तीसरा पॉइंट है हमारा चार्ट एनालिसिस, जो कि सबसे बेस्ट होता है और उसी के अंदर ऊपर यानी कि सारी की सारी कहानियां लिखी हुई जाती है। ठीक है, चार्ट जो बोल रहा है वही सब कुछ होता है कंपनी के, चाहे कितना ही हो। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो आज यानी कि करीबन इसने एक तो अक्टूबर 22 मतलब 1 साल के पिछले का हाई, फिर और अगर देखते हैं तो 1 जनवरी 2018 का जो हाई था उसका हाई भी ब्रेक किया है, मतलब इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है। फ्रेश ब्रेकआउट में क्या होता है ना दोस्तों, कि जब भी किसी कंपनी या किसी शेयर के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो क्या है कि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं तो वो उसके अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे फिर वो वहां से क्या है कि एक सपोर्ट बना देता है, तो सपोर्ट के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ ही रहता है, तो मतलब जो नीचे का बेस होता है वो क्लियर हो जाता है। तो अब ये किधर की साइड जा रहा है, तो अगर ये मंथली चार्ट है तो मंथली की बात करें तो एटलीस्ट यानी कि आपका ये जानने की तैयारी कर रहा है, तो ये करीबन पहुंचने की कोशिश कर रहा है 321 के पास में, और इसका लाइफ टाइम हाई कितना है 1472 रुपए, और अभी चल रहा कितना है 281। अगर इसको 5 साल के लिए अगर आपने होल्ड करके छोड़ दिया, तो अगर इन केस अगर ये 1472 आ गया, ठीक है, तब क्या करोगे, माला माल हो गए ना, कितने गुना बढ़ गया। तो फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर लोग एंट्री करते हैं, न्यूज ऐसा जिसके अंदर हाल फिलहाल कोई है नहीं कि भाई कोई न्यूज है। बाय होल्ड सेल की राय, इसको वनडे के चार्ट में हम एनालिसिस कर लेते हैं कहां पे हमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि भागे हुए स्टॉक में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो आप सिंपली
यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं मंडे के चार्ट पे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास में आए तब बाय की एंट्री करें, या फिर जैसे ये वाला जो पॉइंट है करीबन 220 का, बिल्कुल 220 के आसपास का यहाँ आता है, जैसे फ्रेश ब्रेकआउट दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि भाग ही जाएगा, वैसे तो फ्रेश ब्रेकआउट दिया, यहाँ एक डिप दी, अब फर्दर निकल गया है ये, यहाँ पे इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, इस तरह से प्राइस एक्शन बढ़ता है। किसी को अगर प्राइस एक्शन और ये चीजें सीखनी हो तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है स्टॉक मार्केट फ्री क्लासेस करके, जिसके अंदर करीबन 10 वीडियो है प्लेलिस्ट में, तो वहां पे जाके जरूर देखें। तो फंडामेंटली एनालिसिस में क्या क्या देखते हैं सारी चीजें, यानी कि मैंने बता रखी है। तो अब ये क्या है कि जैसे प्राइस एक्शन बना, लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इतना शानदार पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। ये देखो बुलिश प्राइस एक्शन है, यहां से आया, ये एक डिप मारी और एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया। अब ये फ्रेश ब्रेकआउट कितना हो सकता है, कहां तक जा सकता है, तो एटलीस्ट यानी कि अगर देखते हैं 177 से लेकर 200 240, और यहां से 206 से, तो 240 से 170 अगर निकालते हैं तो ये करीबन आएंगे आपके 70 पॉइंट। तो 200 से निकलता है तो 270, ठीक है ना, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आसपास ये इतनी लेंथ इसने दे दी। तो फ्रेश ब्रेकआउट इसने दिया है, उस वजह से मार्केट में ये भागने की कोशिश कर रहा है और भाग रहा है। तो वीकली चार्ट में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन खींच लें, और ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली आपको अगर एंट्री करते हैं तो 240 220 का एसएल डाल के क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस, अगर 220 के नीचे निकलता है तो इमिडिएटली एग्जिट कर दें। और कोशिश करें अगर मार्केट यहाँ पे एक डिप देता है कहीं यहाँ पे 150 के आसपास, या फिर अगेन आपका इसको 205 के आसपास मिलता है तो ऐड करें पोर्टफोलियो में। तो बाय और सेल की एडवाइस यही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, और जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।